हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है. वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. तो आज मैं आप लोगों को अपने जितने भी DIY एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने घर पे बनाई हैं और कृष्णा को मैं यूज़ कराती थी फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो सब चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे प्लीज़ शेयर इट. सो हेयर वॉज द नंबर वन थिंग जो मैंने इनिशियली फॉर विजुअल ट्रैकिंग यूज़ किया था. दिस इज़ अ गत्ते का डब्बा, सिंपल टॉवल का बॉक्स था. इसमें मैंने यहाँ से कट किया, इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कटिंग करके कराया और इसमें से सिर्फ उसको ट्रेस आउट करना है कि बॉल कैसे नीचे जा रही है. तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है टू लुक द मोशन. तो अब पहले मैंने इसको ऐसे यूज़ किया, देन उसको ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन किया, आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाओ. तो दिस इज़ नंबर वन बॉक्स. मैं सारी बॉक्स वाली एक्टिविटीज शेयर कर रही हूँ अभी आप लोगों के साथ. दिस इज़ माई फर्स्ट बॉक्स. ऑलराइट, दिस इज़ द नेक्स्ट बॉक्स, स्माइली फेस. इसमें वही बॉल रखना है, बच्चे को इसमें से माउथ में से निकालना है. तो सिंपली मैंने फेस ड्रॉ किया है, उसको कट कर दिया, पिंग पोंग बॉल्स लिया और पिंग पोंग बॉल से उसको निकालना है. दिस इज़ द नेक्स्ट पाजल. ठीक है, यहाँ पर आपने बॉल डाला, उसको मैनिपुलेट करके उसको इसमें से निकालना है. इन सब पे मैं डिटेल्ड वीडियोस ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ. सो दीज आर थ्री टाइप ऑफ मेजेस, पाजल्स जो कृष्णा को सॉल्व आउट करना था. ठीक है, तो ये चीज़ें थी. नेक्स्ट इज़ माई दिस बोर्ड एक्टिविटीज़ जो मैंने घर पे बनाया था कृष्णा के लिए. दिस इज़ फॉर फिंगर डेक्सटेरिटी कि दिस इज़ वन, तो वन काउंट करा और वन को वन के साथ दी. दीज आर दिस, तो वेलक्रो स्टिकर से उसने पेस्ट कर दिया 1 2 3 4 5. तो उसमें फिंगर्स भी मैं उसके साथ करवाती थी 1 2 3 पकड़ के, हैंड पकड़ के, सो दैट ही गेट टू नो कि फिंगर डेक्सटेरिटी इम्प्रूव हो कि कैसे उसको फिंगर्स को मैनिपुलेट करना है. 1 2 ये सिंपल मैंने गत्ते पे बनाया हुआ एक A4 साइज शीट पेस्ट किया और उस पर ये सब पेस्ट करके कट करके पेस्ट कर दिया. दिस इज़ नंबर वन बोर्ड एक्टिविटी. ठीक है, दिस इज़ काउंटिंग. जब मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया था, काउंट हाउ मैनी फ्लावर्स, वन वन को पेस्ट करो. ठीक है, इन पर भी मैंने सारा डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं. दीज आर थ्री, तो काउंटिंग कैसे सिखाएं. दिस इज़ बिंदी, तो ये सेंसरी एक्टिविटी, उसको टच मिलता था इससे. मैं कहती थी टच इट, रब इट, तो वो सारा. दिस इज़ स्टिक एक्टिविटी, इस पर कलरफुल पॉप्सिकल स्टिक्स हैं, उसको उसमें मैच करना है कि किस तरह से कहाँ पर लगाना है. तो ये स्टिक्स हैं, कलरफुल स्टिक्स हैं, पॉप्सिकल स्टिक्स, एरो के साथ में उसको मैच करना है. तो ये मैंने हैंडमेड बनाया. दिस इज़ अ बोर्ड टू आइडेंटिफाई उसको कलर एंड शेप्स कि ओके रेड रेक्टेंगल पेस्ट, स्टार पेस्ट, मतलब ये आपने उतारना है और बच्चे को जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे उसको चिपकाना है. तो दिस इज़ अ शेप एंड कलर बोर्ड, तो ये मैंने बनाया था. अगेन ये मैंने बहुत एक्टिविटीज़ में यूज़ किया है ये वाला बोर्ड. मैंने सीनरी क्रिएट की थी, पहले मैंने कलर फ्लावर मैच करने के लिए, फिर डिस्क्राइब करने के लिए, ओ लुक स्काई में क्या है, सन क्लाउड ग्रीन ग्रीन ग्रास, पार्क में हम जाते हैं ना, व्हाट वी सी फ्लावर्स, फ्लावर्स पे क्या है, लीफ. तो इस तरह से भी पिक्चर डिस्क्रिप्शन की बहुत सारी चीज़ों में मैंने ये वाला बोर्ड यूज़ किया है. फिर मैंने उसके लिए छोटी छोटी पजल्स क्रिएट करना शुरू किया. दिस इज़ अगेन वन काउंटिंग बोर्ड. इसमें एक तो ये था कि ओके ट्री को बनाओ, ट्री को एग्जैक्टली शेप पे मैच करना है. तो दिस इज़ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, दिस इज़ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन. लीव्स को काउंट करो, देखो वन कितनी लीफ है, वन. तो ये सारा वेलक्रो स्टिकर पे है, ही हैज़ टू पेस्ट इट. ठीक है ना, इसमें 1 2 3 उसको आता नहीं था, बट आई यूज़ टू डू इट फॉर 4-5 months रेगुलर बेसिस पे. तो उसको अंडरस्टैंड होने लग गया कि काउंटिंग होता है. जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ उसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि उसको आता है, बट जब आप रेगुलरली कराने लगेंगे तो आ जाएगा. अगेन दिस इज़ काउंटिंग, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट बीट्स लगाए, 1 2 3 4 5, इस तरह से काउंटिंग के लिए, और रैंडम पेस्ट किया है तो उससे अगेन काउंटिंग अच्छा हो जाता है. देन आई मेड दिस पजल, ईजी पजल. इसमें सबसे पहले मैंने सर्कल को 3 parts में कट किया, उसको सर्कल बनाना था. अब सर्कल बनाना आ गया, काउंटिंग मैंने उसको सिखा दिया, तो अब उसको 3 से 3 मैच करना था. तो दिस इज़ द ईजिएस्ट पजल जो मैंने उसको कृष्णा को दिया था. ठीक है, फिर मैंने ये वाला पजल बनाया था, उस पर बटन्स पेस्ट किए थे, उसको रेक्टेंगल बनाना है एंड काउंट करना है. दिस इज़ हाउ मैनी, 4 को पेस्ट करो. दिस इज़ हाउ मैनी, 3 को पेस्ट करो. तो करेक्ट साइड पे
काउंट एंड मैच पजल हो गया, कलर का हो गया, इसमें थोड़ा हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया. नाउ दिस इज़ माई थ्रेडिंग एक्टिविटी. इसमें क्या है, दिस इज़ अ थ्रेड, तो वन से लेकर जाना है, फिर टू में, फिर थ्री में, फिर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. तो दिस इज़ माई रैंडम बोर्ड एक्टिविटीज़. तो ये सारे मैंने बोर्ड्स बनाए थे कृष्णव के लिए इनिशियली, जो मैं उसको एक्टिविटीज़ कराती थी. यार बहुत सारी एक्टिविटी हैं, इट विल टेक टाइम इफ़ यू, मतलब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स में आते हैं प्लीज़ शेयर, प्लीज़ शेयर, तो मैंने बोला आज शेयर ही करते हैं. सो दिस इज़ माई अल्फ़ाबेट टू कैपिटल मैचिंग एक्टिविटी, जिसे मैंने सारे ए टू जी कार्ड्स हैं. दिस इज़ हाउ आई स्टोर एक बॉक्स में, सारे ए टू जी अल्फ़ाबेट्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, इनको मैंने लगाया हुआ है. ठीक है, तो मैं अभी आपको सिर्फ एक खोल के दिखा रही हूँ. डिटेल्ड वीडियो मेरे स्पेशल एजुकेशन फोल्डर में है, एम स्मॉल एम मैच एंड उसमें इंसर्ट. तो दिस इज़ हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी. तो ये बहुत अच्छा एक्टिविटी रहा कृष्णव के लिए, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हुआ और साथ में आइडेंटिफिकेशन अच्छी हुई. तो दिस इज़ द बॉक्स हाउ आई स्टोर. एक एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं. दिस इज़ माई फाइव सेंसेस बॉक्स, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं. इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है और उसको जो है फ्लैश कार्ड्स, ओके, बुक, बुक हम क्या करते हैं, रीड करते हैं. रीड कहाँ से करते हैं, आईज से, आईज वॉचिंग, तो इसमें डालो. तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड गेम जो कृष्ण बहुत इन्जॉय करता था. दिस इज़ माई बटनिंग एक्टिविटी, मैंने बटन्स बनाया और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग उसको शेप्स मैच करना था. लाइक दिस इज़ अ ट्राइंगल, ओके, तो हेयर इज़ द शेप ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में ट्राइंगल ही लगाना है. तो दिस इज़ मल्टी टास्किंग एक्टिविटी, कई एरिया पे हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं. बटनिंग हो गया और साथ में वो ट्राइंगल का शेप रिकग्नाइज करके उसी में आइडेंटिफाई करना है. दिस इज़ माई लेसिंग एक्टिविटी, सब गत्ते पे बनाया है मैंने, सब गत्ते पे बना हुआ है. तो दिस इज़ दिस, तो सिंपल बनाया और अभी क्रॉस टाई उसको आ गया है. फ्लावर टाई अभी मैं नहीं सिखा रही हूँ, इज स्मॉल, तो वो मेरा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है. देन अगेन दीज आर माई लेसिंग बोर्ड्स, ये हैंडमेड हैं, ठीक है, प्लाई पे बनाए हुए हैं क्योंकि मेरा घर बना था तो प्लाई के टुकड़े बहुत सारे अवेलेबल थे, उसी में ड्रिल कर करके मैंने खुद कलर करके. तो कैसे थ्रेडिंग पे हमें काम करना है उसका डिटेल्ड वीडियो है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है. देखिए सब वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं, अगर आप ध्यान से करते हैं आपको समझ में आएगा. तो दीज आर माई डिफरेंट लेसिंग बोर्ड्स, ईजी टू कॉम्प्लेक्स, कि कहाँ कहाँ से मैंने कैसे कैसे उससे एक्टिविटीज़ करानी हैं और कैसे कैसे मैंने आगे बढ़ा है. तो वो सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि लेसिंग एक्टिविटीज़ आप कैसे कैसे करा सकते हैं. और तो ये 5-6 बोर्ड्स मैंने क्रिएट करे थे और इन पर आज भी मैं काम करती हूँ बिकॉज दे आर रियली इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. दिस इज़ अ पज़ल, जिक्सो पज़ल, जो मैंने खुद घर पे बनाया था बिकॉज वही है, कितना मार्केट से खरीदोगे और कितना कराओगे, हर बार उसको कुछ नया देने का मन है. तो ये मैंने घर पे बनाया था, सिंपल गत्ते पे मैंने कलर किया, कट किया और उसको दे दिया. तो इस पे भी डिटेल्ड वीडियो है कि जिक्सो पज़ल कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है. तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि मैं उनके लिंक दे दूंगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि जिक्सो पजल्स कैसे हमें बच्चों के साथ स्टार्ट करना है. दे आर ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इससे इम्प्रूव होती हैं और बहुत अच्छी रहती हैं. सो दिस इज़ द एक टूल, रोड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये मेरे प्रिटेंट प्ले में कई तरीके से मैं काम लेती हूँ और बहुत अच्छा, क्योंकि ब्रेन जिम के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ, प्रिटेंट प्ले में यूज़ करती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मैं यूज़ करती हूँ. तो दिस इज़ रोड वाला जो मेरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल रहा है, स्टार्टिंग में बनाया था और टिल डेट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, और दीज आर माई हॉपस्कॉच के लिए मैं अभी रिसेंटली मैंने बनाए हैं. दीज आर फुट प्रिंट्स, हैंड प्रिंट्स, लेफ्ट लेग, राइट लेग के, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के. तो ये सारे मैंने प्रिंटआउट्स इस पर पेस्ट किए हुए हैं. अब हॉपस्कॉच मैं इससे कराती हूँ, जल्दी ही मैं इसका वीडियो शेयर करूँगी कि कैसे मैं करा रही हूँ और कैसे आप करा सकते हैं. ठीक है, एक ये बोर्ड है मेरा, ये मैंने रिसेंट बहुत एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया है और अभी भी यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है. और नेक्स्ट इज दिस माई कटिंग बॉक्स, इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कटिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट पपेट्स लाइक दिस फिंगर पपेट्स मैंने बनाया है बहुत सारा,
कि ओके दिस इज द स्टोरी टेलिंग में हम लोग यूज़ कर पाते हैं इनको. मैंने इधर फैमिली इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, प्रिटेंड प्ले के लिए बहुत सारी कटिंग्स की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं लाइक मदर, फादर, आराध्या, सन, हाउस, ट्री. तो दीज आर ऑल पेपर कटिंग्स जो आप मेरी प्रिटेंड प्ले वाली वीडियोज़ में देख सकेंगे और बहुत सारी चीज़ों में देख सकेंगे. तो दिस इज़ माई नेक्स्ट, ये मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्रिएशन को नहीं कराया है ये, लेकिन मैंने बनाया है अभी स्पेलिंग्स के लिए. क ऐप, कैप, म ऐप, मैप, ग ऐप, गैप, न ऐप, नैप, ल ऐप, लैप, ट ऐप, टैप. तो ये अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट आई हैव मेड दिस. मैंने आज आपको, क्योंकि मैं अपने घर पे जो मैंने बनाया हुआ है उस तरह के, ये मैंने काफ़ी सारे बोर्ड्स क्रिएट करे हैं ताकि मैं जब, अब कृष्ण को अभी नहीं करवा रही हूँ बट जब भी कराऊँगी तो इसके थ्रू ही कराऊँगी. तो दीज आर माई होम मेड एक्टिविटीज़. ओ आई एम मिसिंग सम बॉक्सेज ऑल्सो, जहाँ पर मैंने बिग और स्मॉल या करेंसी का करा था वो सारे बॉक्सेज इधर नहीं हैं, तो आई विल शेयर इन नेक्स्ट वीडियो. तो ये सारे टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं होममेड जो मैंने क्रिएट की हैं कृष्णव के लिए. आई होप ये आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ देने वाली हैं और आपको भी हेल्प आउट करने वाली है. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू सो मच.